नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रकाश और इस वक्त मैं हूँ माल खरौदा पिहरीद में, जहाँ 10 साल का जो राहुल है बोरवेल में फंसा हुआ है। तो आज जो कि मैं कवरेज करने आया हूँ और इस गांव में मैं इसलिए आया हूँ कि राहुल की क्या स्थिति है ये जानने के लिए, और राहुल कब तक बाहर निकल पाएगा क्योंकि तो बोरवेल में फंसा हुआ है और 50 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं। जैसे कि आप न्यूज़ में अगर देखे होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो आज मैं आया हूँ पिहरीद और आज मैं आया हूँ पिहरीद और आपको आज की इस वीडियो में पूरा मैं दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है, कब तक राहुल निकल जाएगा बोरवेल से। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल में ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको पिहरीद में जो रेस्क्यू चल रहा है उसके बारे में आज मैं आपको बताता रहूँगा। पचास घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं राहुल बचाओ अभियान को आप देख सकते हैं। सामने मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जो छावनी वाली स्थान दिख रही है उसी छावनी के नीचे बोरवेल है जहाँ राहुल फंसा हुआ है। लगातार यहाँ पर आईएएस आईपीएस के अधिकारी और सेना के जवान और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान लगातार रात दिन एक कर रहे हैं राहुल को बचाने के लिए। ओ, जो कि बचाने का अंतिम चरण आ चुका है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के जवान बहुत ही जोरों से मेहनत कर रहे हैं और हमारे और प्रेस जो कि कवरेज ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, और जोरों से एनडीआरएफ की जो टीम है जोरों से लगी हुई है राहुल रेस्क्यू ऑपरेशन में। अंतिम चरण आ चुका है, लगातार जोरों से लगे हुए हैं सेना के जवान और प्रशासनिक अधिकारी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, आप देख सकते हैं। मेडिकल स्टाफ द्वारा एनएस लेकर जाया जा रहा है और अभी ये गहराइयों में जाएगी धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कि ये सुरंग में जाते जा रही है और अंतिम चरण है ये अभी राहुल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारे राहुल को देखने के लिए ही आए हुए हैं, बोला जाए तो ये सारे अधिकारी कर्मचारी ये सारे हैं ये, और लगातार आप देख सकते हैं अंतिम चरण में है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, राहुल अब कुछ ही वक्त रहा है कि राहुल अब बाहर आने ही वाला है। आज के बाद में
अब दो बच चुके हैं जो कि अभी भी जारी है राहुल को बचाने की मुहिम। आप देख सकते हैं अभी भी ग्रामीणों की भरी तादाद में भीड़ जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। सुबह के 5:40 हो रहे हैं और मैं आपको अपडेट दे रहा हूं जो कि आप देख सकते हैं कि जो कि जिला पुलिस बल है ये भी रात दिन एक कर दे रही है। यातायात पुलिस जो कि रात भर ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो कि आप सभी देख सकते हैं कि बाहर बाहर गांव से भी जो कि भीड़ आया जा रहा है राहुल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के। बाहर बाहर गांव से भी लोग आ रहे हैं इस ऑपरेशन को देखने के लिए। आपको मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ। राहुल रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि जोरों से लगे हुए हैं NDRF और SDRF की टीम, और जो कि चट्टान जो कि राहुल के ज़िंदगी का दुश्मन बना हुआ है, जो कि चट्टान के कारण ही आज जो कि समय लग रहा है इस रेस्क्यू में, तो कहीं ना कहीं चट्टान ही दुश्मन है राहुल की ज़िंदगी के लिए।